हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा वीडियो में आपको स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं फ्राइड राइस बनाने। इसको फ्राइड राइस भी बोलते हैं, पुलाव भी बोलते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा मटर और कॉर्न और पनीर, कैरेट और ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, किशमिश और साबुत गरम मसाला। अभी हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। अभी कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे घी। घी डाल के हम काजू को फ्राई कर लेंगे। अभी काजू फ्राई हो गया है, अच्छे से लाल हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं। निकाल के जो सब्जी रखे हैं, हरा मटर, कॉर्न, इन सबको फ्राई कर लेंगे। एक साथ ही सब डाल के फ्राई कर लेंगे। सब्जी सब फ्राई हो गया है, अभी इसको हम निकाल लेंगे। फिर से हम घी डाल लेते हैं। घी डाल के गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे चावल। चावल के हम एक घंटा पहले धो के रख लिए थे, अच्छा खिला खिला बनेगा। एक घंटा चावल पानी में फूल जाएगा। तो वो अच्छे से भूजेंगे लाल करके चावल को। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। चावल के हम भूंज लिए हैं अच्छे से। एक गिलास चावल था तो हम दो गिलास पानी डालेंगे इसमें। अब सारी सब्जी डाल के हम मिक्स करके छोड़ देंगे। सब्जी, पनीर, ड्राई फ्रूट के हम थोड़ा देर बाद डालेंगे। आधा सीज जाएगा, हाफ सीज जाएगा चावल, तब डालेंगे। अब इसको 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे। गैस को मीडियम कर देते हैं। देखिए मेरा चावल बन के रेडी है। फ्राइड राइस कितना सुंदर बना है, एकदम खिला खिला। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम परोस के दिखाती हूँ।
फ्राइड राइस का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।